हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। सोशल मीडिया पर एक कुछ ही दिन पहले एक पिता और एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि ये वीडियो लव जिहाद से है। तो हमारी चैनल की कोशिश यही रहती है कि हम आपको हर चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती है वो सच नहीं होती है, और आज भी झूठ का पर्दाफाश करेंगे, आपको सच्चे से वाकिफ करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सोशल मीडिया पर बड़ा झूठ वायरल हुआ है। इससे पहले भी हमने ये वीडियो डाला था, तो इसमें हमने ये बताया था कि इस वीडियो की पुष्टि हमारी टीम नहीं करती है। इसके बाद हमारी टीम इस वीडियो की जांच में जुट गई। हमने पूरी जांच में पाया कि आखिर इस वीडियो में क्या सच्चाई है। तो आइए देखते हैं। युवती ने गैर समाज से युवक से शादी नहीं की और न ही पिता ने आत्महत्या की। आपके व्हाट्सएप पर ये मैसेज घूम रहा होगा कि इस लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6000 लोगों ने बिना जांच के वीडियो शेयर कर दिए और कई भड़कीले कमेंट्स किए। लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़ा, लेकिन अभी इसके मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। ऐसे फर्जी लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। 29 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों देश भर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर कमेंट में भड़कीले हैं। 29 सेकंड के वीडियो पाली जिले के गांव का वर्द अपनी पगड़ी उतारकर युवती के सामने रखता है। वर्द उस युवती के सामने कभी हाथ जोड़ रहा है तो कभी उसके पैर पकड़ने का प्रयास कर रहा है। वीडियो के पीछे खड़े अन्य परिजन भी युवती को हाथ जोड़कर घर चलने की मन्नतें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को शादी के वक्त बेटी को मनाते ही वीडियो को लव जिहाद से जोड़ा गया है, और सबसे पहले 3 तारीख को एक समाज के नाम से बनाए फेसबुक पेज पर डाला गया था, जिसमें ऐसे किसी मामले को गलत बताया गया था। हमारी टीम ने पुलिस की साइबर विंग की मदद से इस वीडियो की रियलिटी को चेक किया। इसमें चौंकाने वाली बात ये आई है कि वीडियो की बगैर सत्यता का पता लगाते हुए यूजर इसे फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी इसे वायरल कर रहे हैं और धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि घटना के बाद में युवती के पिता ने सदमे में आत्महत्या कर ली है। तो यह है पूरी घटने की सच्चाई, आइए जानते हैं। 2 साल की उम्र में लड़की की शादी हुई थी, उन्हें पति पसंद नहीं था तो रिश्तेदार से शादी की। पिता ने समझाया, लेकिन युवती घर लौटने से इनकार कर रहा। लड़की 10वीं तक पढ़ी थी, उनके घर वालों ने 6 साल पहले गुनाह करवा दिया था। पिछले 1 साल से लड़की एक रिश्तेदार के संपर्क में थी। इनके बाद में मोबाइल पर दोनों की बातचीत होती थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 28 अगस्त को युवती अपने ससुराल से लकाराम के साथ चली गई और दोनों ने एक वकील से मिलकर कोर्ट में शादी कर ली। परिजनों ने सादड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस उस दोनों को लेकर थाने पहुंची थी। इस दौरान युवती का पिता और परिजन भी थाने पहुंचे और उसे घर चलने की मांग की, लेकिन जब युवती नहीं मानी और गुलाब के साथ में चली गई थी। सादड़ी थाने में युवती व परिजनों के बीच में बातचीत का वीडियो मोबाइल में किसी ने बना लिया, जो कि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल के साथ ये भी जानकारी दी गई कि इस घटना से सदमे में आई युवती के पिता ने आत्महत्या कर ली है। हमारी पड़ताल में हमने जब इसकी पूरी पड़ताल की तो युवती का पिता अपने गांव में खेतीबाड़ी करते नजर आया। परिवार के लोगों ने समझा से ये मामला शांत भी कर दिया था। इस समय युवती अपने नए पति गुलाब के साथ में महाराष्ट्र के पुणे शहर में रह रही है। इस घटना का वीडियो वायरल कर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना का भड़काने का प्रयास किया है। असलियत में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हिसाब से कमेंट किए, जो कि एकदम गलत है। पुलिस साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस ने साइबर सेल से मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र भी रखी हुई है, ताकि ऐसी जो वीडियो वायरल करते हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। हमारा चैनल कभी भी ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं करता है, लेकिन उस सच्चाई से आपको वाकिफ जरूर कराता है। तो आप भी इस तरह के वीडियो अगर आते हैं तो पहले जांच के ही आगे शेयर करें, कहीं आपको एक दिन महंगा न पड़ जाए। कैसा लगा ये वीडियो, आप अपनी कमेंट में दो राय जरूर देना।